हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 से लेके 4 तक सारे आपको अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है ना? तो चलो फिर निकालो कॉपी पेन, स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये स्क्रीन पे दिया हुआ है, पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। इन द फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन। ठीक है भैया, पी ओ क्यू ये क्या है? एक लाइन है। ठीक, चलो, ओके, वेरी गुड। एंड रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। अच्छा, देखो ओ आर जो एक रे है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। देखो जो जो चीज गिवन है उसको लिखते जाओ। क्या गिवन है? गिवन, ठीक है ना? पहले लिखते रहा करो जो जो गिवन है। क्या गिवन है? कि ओ आर परपेंडिकुलर। बच्चों परपेंडिकुलर का साइन ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, उल्टा करके टी बनाते हैं। तो ओ आर परपेंडिकुलर है PQ पर। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है कि ये जो एंगल बनना है यहाँ पर, ये 90 डिग्री होगा, और चाहे अगर इधर से आओ तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखो यार, ये क्या है, ये पूरी एक सीधी लाइन है, तो इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि OR परपेंडिकुलर, जब भी ये वर्ड है परपेंडिकुलर, तो समझ जाओ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना? अच्छा भाई, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि OR परपेंडिकुलर है किस पर? PQ पर। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, यानी एंगल QOR, यानी कि एंगल QOR और इधर वाला भी एंगल POR इज इक्वल टू एंगल POR। ये क्या है? दोनों के दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि OR परपेंडिकुलर है PQ पर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे OS इज अनदर रे। ठीक है भैया, OS एक नई रे है, अलग लाइन बिटवीन रे ओपी एंड ओ आर। ठीक है भाई, ओपी एंड ओ आर, देखो ओपी ओ आर, ओपी ओ आर के बीच में एक नई रे है, कौन सी? ओ एस। ठीक है भाई, चलो ओ एस। तो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है भाई, चलो प्रूफ कर लेते हैं। तो जो चीज दी है उसको बहुत ध्यान से समझते हैं। अच्छा, एक चीज देखो बच्चों, जैसे इधर ये क्यू ओ आर है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना क्यू ओ आर। अब देखो ये कैसे प्रूव होगा। क्यू ओ आर दिख रहा है इधर, ये रहा क्यू ओ आर और इधर है पी ओ आर। ठीक भाई, अब एक चीज देखो बच्चों, ये क्यू ओ आर का मतलब 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। तो देखो यहां से, देखो मैं इधर से अलग से बनाता हूँ, आप बहुत ध्यान से समझना है। ये चीज ऐसे है और ये ऐसे बीच में यहाँ पर है R, यहाँ है O, यहाँ है Q और ये है S। ठीक, अब देखो ये केवल अगर इतना हमको निकालना हो, इतना हिस्सा R O Q या फिर Q O R, इतना पार्ट, तो ये कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, पहले देखो ये पूरा हिस्सा लेते हैं Q O S, पूरा Q O S, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसके बीच में ये हिस्सा है ना, ये हटा दें इतना। देखो Q O S ये पूरा ले लिया हमने, क्यू ओ एस में से ये आर ओ एस हटा दें, इतना हटा दें, तो देखो यही तो बचा है आर ओ क्यू, पूरा क्यू ओ एस में से ये बीच वाला हटा दें इतना। ठीक, आर ओ एस माइनस कर दें आर ओ एस, तो क्या बचेगा? ये क्या बचेगा? आर ओ क्यू या फिर क्यू ओ आर, यही तो बचेगा क्यू ओ आर। ठीक है, तो यानी कि क्यू ओ एस ये पूरे में से इतना, ये बीच वाला हटा दें आर ओ एस, तो क्या बचेगा? क्यू ओ आर। तो यानी क्यू ओ आर की जगह पे, QOR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? QOS minus ROS। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर? एंगल QOS, QOS minus ये अंदर वाला कितना है? ROS। चलो भाई ROS, इतना समझ में आया होगा, है ना? ये मैंने लिख दिया किसकी जगह पर? QOS की जगह पर। फिर इज इक्वल टू POR, चलो इधर देखो POR, देखो POR किसको मिला के बना है? ये वाला और ये वाला है, दोनों हिस्से मिला के बनना है ना POR, है ना? तो एंगल POR को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल POS, ये POR की जगह पे लिख रहा हूं POS और प्लस ROS प्लस एंगल RO, ये समझ में आया? देखो ये पूरा इतना है ना, ये ऐसे यार सीधा बना देता हूं, है ना? ध्यान से समझ लो, कंफ्यूजन ना हो। ये P है, ये O है, ये R है, तो इस पूरे पार्ट के बीच में एक ऐसे लाइन आ गई है। तो ये लाइन, ये लाइन, ये दोनों मिला के, ये टोटल मिला के पी ओ एस और आर ओ एस दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पी ओ आर, ये और ये। ठीक है, अच्छा, तो अब एक चीज देखो बच्चों, ये Q
QOS, इधर दिया है POS, इसको इधर ले आओ, ये POS इधर ले आओ तो ऐसा हो जाएगा माइनस एंगल POS, और ये माइनस का ROS उधर भेज देते हैं, ROS उधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा ROS, और एक ROS तो पहले से ही है ROS, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, QOS माइनस एंगल POS, अब देखो एंगल ROS दो बार आ गया तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं टू एंगल ROS, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक। अब देखो एक काम करते हैं, इसको मैं सीधा लिख लेता हूँ, है ना, इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ टू एंगल ROS, इसको पहले लिख दिया, इसको उधर लिख देता हूँ माइनस एंगल QOS, QOS माइनस एंगल POS, ठीक। अब देखो इस ROS को यहाँ पे रोको तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, इन दोनों के नीचे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, समझ में आया।